Trying to make blogs as much as I can, and as you know, we all are working from home, so it's very difficult sometimes to go outside and make blog. Also, I'm in Pune, so there are hundreds of restrictions. Anyways, actually right now I'm a bit of hungry because I had my lunch around 1 p.m. so I thought why not to make something at home. And finally I decided that let's make dhabli, and I will share the recipe and the process with you. It would be fun, I guess. Yes, without any wasting time, let's get started. Dhabli banane ke liye dhabli ka jo basic hai, jo pav hai, wahi nahi hai. To wahi leke lene ja rahi hu, abhi jaldi jaldi leke aate hain, chalo. कितना मेहनत लगता है दाबेली बनाने को? अरे बहुत कम मेहनत लगता है, यूं बन जाता है फटाक से। अच्छा, वो तो देख ही रहा है हम आधे घंटे से, मतलब इधर ही खड़े हैं, समझ में आ रहा है। हाँ। जो भी हो, जो मैं बता दूं आपको, ये मेरी फेवरेट डिश है। मेरे मतलब मैं जब से पुणे आई हूँ तब से, एक्चुअली इससे पहले मैं खाई नहीं थी। हम बाहर का बिल्कुल नहीं खाते, मैं इन दोनों की कसम खा के बोलती हूँ। और हम भी नीलम जी की कसम खा के कहते हैं अगर ये झूठ बोली तो। चाय आखिरी ना पीए, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी मैं धनिया को मतलब धो के रेडी कर दिए हैं चटनी बनाने को, बस हो जाएगा। ये चटनी मतलब यूज नहीं करने वाले? क्यों नहीं यूज नहीं होता ये? तूने ही बोला मुझे, मतलब जस्ट बिकॉज मुझे खाना बनाना इतना आता नहीं है, मतलब मेरा ही इधर प्रैंक हो रहा है मेरे साथ। ठीक है चलो, मैं thank you.
तो कैसा था दाविली? यस, सो इट वाज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो ये था हमारा रैंडम एक इवनिंग ब्लॉग। सो गाइस, इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड लाइक इट। बाय। मैंने नहीं सिखाया, खुद से बोला। ओके बाय।